आज बढ़त के साथ बीएसई में कारोबार की शुरुआत हुई है। गिरावट के साथ खुला है एनएसई का निफ्टी 50। 37 अंकों की बढ़त के साथ खुला है बीएसई। 81,000 के आंकड़े पर बीएसई में कारोबार हो रहा है। तो फिलहाल निफ्टी 50 में 17 अंकों की गिरावट पर कारोबार जारी है। निफ्टी 50 में 25,000 के आंकड़े पर कारोबार है। बुधवार को बढ़त के साथ बीएसई बंद हुआ। 73 अंकों की हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ निफ्टी 50 में। 34 अंकों की बढ़त पर कारोबार बंद हुआ है। शुभम हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। शुभम, एक तरफ तो बीएसई में अच्छी बढ़त देखी जा रही है, निफ्टी 50 का हाल थोड़ा सा बुरा नजर आ रहा है आज के दिन। बिल्कुल, देखिए सेंसेक्स जो है आज अच्छे अंकों के साथ खुलते हुए दिखाई दे रहा है। मामले से 2-4 अंकों की गिरावट के साथ खुलते हुए दिखाई दे रहा है, तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि आज सेंसेक्स लॉस में जाते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 थोड़ी सी गिरावट जरूर खुली हुई है, लेकिन मार्केट की बात करें तो आज मार्केट भी सेंसेक्स देखिए 81,767 के बाद सेंसेक्स चला। निफ्टी 50 भी 24,000-24,500 के बाद सेंसेक्स खुलते दिखाई दे। लेकिन अगर हम बात करें तो आज जो बड़ी कंपनियों के शेयर थे वो आज ज्यादातर रेड जोन में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से देखिए भारतीय एयरटेल है, रिलायंस है, इंडसइंड बैंक है, एशियन पेंट है, एक्सिस बैंक है, जेएसडब्ल्यू स्टीक है। ये जो कंपनियों के शेयर्स हैं जो अमूमन हमेशा ट्रेड पे रहते हैं, ग्रीन जोन में रहते हैं, आज वो रेड जोन में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टाटा मोटर्स, सन फार्मा, अडानी पोर्ट, आईसीआई, हिंदुस्तान लीवर, बजाज फाइनेंस, ये जो कंपनियों के शेयर्स हैं आज ये ग्रीन जोन में दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि गुरुवार का दिन आज शेयर मार्केट फिलहाल तो अब तक जो शुरुआती प्री सेंसेक्स जब तक खुला हुआ है ये हम कह सकते हैं अच्छे अंकों के साथ खुला है। अब देखना होगा कितने अंकों के साथ बंद होता है, लेकिन फिलहाल मार्केट जो है हम कह सकते हैं कि आज के दिन शुभम, चूंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, जाहिर सी बात है कि बीएसई और निफ्टी 50 निराश नहीं करेंगे निवेशकों को आज, ये मान के चलें। देखिए निराश बिल्कुल नहीं करेंगे, जिनकी जिन कंपनियों के शेयर्स डाउन है उनके लिए अच्छा मौका है कि वो शेयर खरीद ले, क्योंकि ये ऐसे शेयर्स हैं जो आने वाले 1-2 दिन में बढ़ सकते हैं। अमूमन शेयर हमेशा ग्रीन जोन में रहते हैं, जिस दिन ये रेड जोन में आते हैं तो समझिए कि जो तमाम जो इन्वेस्टर है, तमाम जो निवेशक, उनके लिए अच्छे दिनों से कि इन्हें सस्ते दाम में खरीदे और उनके पैसे बढ़ने का इंतजार करें। देखिए अमूमन ये जो बड़ी कंपनियों के शेयर होते हैं अमूमन ग्रीन जोन में होते हैं, लेकिन आज फिलहाल रेड जोन है, तो आज ये निराश मार्केट हम कह सकते हैं कि तमाम निवेशकों को, तमाम ग्राहकों को निराश जो है वो नहीं करेगा।